गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फोर्थ चैप्टर हवा के आत्मकथा। हवा के आत्मकथा में हमने पढ़ा था कि हम हवा हमारे लिए कितनी आवश्यक है, कितनी महत्वपूर्ण है। हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हवा के बिना हम सांस नहीं ले सकते, हवा के बिना हमारी जो अनाज है वो पक नहीं सकती, हवा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हवा को रोज़मर्रा के कामों में भी उपयोग में लिया जाता है, और जैसे गाड़ी के पहिया हुआ, फुटबॉल हुआ, इन सब में क्या भरी जाती है, इन सब में हवा भरी जाती है। और संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं उनमें से जो लहरें निकलती हैं वही क्या क्या है, हवा, और वही सुर बनाती है, ठीक है। और हवा को शुद्धता कौन प्रदान करता है, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, यही हवा को शुद्धता प्रदान करते हैं। अगर हमें हवा को शुद्ध रखना है, वायु प्रदूषण रोकना है, तो हमें जागृति लानी होगी, पर्यावरण चेतना का विस्तार करना होगा। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, साइकिल या मोटरसाइकिल के ट्यूब में क्या भरी होती है? तो आपको सबको पता है साइकिल या मोटरसाइकिल के ट्यूब में क्या भरी हुई होती है? इसका उत्तर आप प्रश्न जोड़कर लिखेंगे। कैसे? देखिए, साइकिल या मोटरसाइकिल के ट्यूब में हवा भरी होती है। आपको उत्तर ऐसे लिखना है, साइकिल या मोटरसाइकिल के ट्यूब में हवा भरी होती है, ठीक है। अब है दूसरा प्रश्न, किसके माध्यम से हम एक दूसरे से बातें करते हैं तथा उनकी बातें सुनते भी हैं? किनके माध्यम से एक दूसरे से बातें करते हैं और दूसरों की बातें सुनते हैं, किसके माध्यम से? इसका उत्तर लिखेंगे, हवा के माध्यम से हम एक दूसरे से बातें करते हैं तथा उनकी बातें सुनते भी हैं। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? हवा के माध्यम से हम एक दूसरे से बातें करते हैं तथा उनकी बातें सुनते हैं, ठीक है। अब आपका तीसरा प्रश्न, हवा को शुद्ध करने का काम कौन करता है? अभी मैंने बताया था कि हवा को शुद्धता कौन प्रदान करता है। आप इसका उत्तर लिखेंगे, हवा को शुद्ध करने का काम पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ करती है। ये हवा को शुद्ध रूप प्रदान करती है, शुद्धता प्रदान करती है। अब है हमारे आगे के प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हवा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो बच्चों आपको ध्यान है, हवा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हवा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हवा हम सभी प्राणियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों सभी के लिए आवश्यक है। हवा के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। हवा के द्वारा ही हम सांस लेते हैं, हवा से ही पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, खुद तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हवा हमारे लिए जीवनदायिनी है। हवा हमारे लिए जीवनदायिनी है, जीवन देने वाली है। हवा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, ठीक है। अब है दूसरा प्रश्न, क्या बांसुरी, शहनाई आदि संगीत के वाद्यों में हवा का उपयोग है? तो बच्चों आपको पता है संगीत के वाद्यों में जो लहरें निकलती है किस में निकलती है, हवा में, और वो हवा में निकलने वाली लहरें ही क्या बनती है, सुर बनती है। क्या बांसुरी, शहनाई आदि संगीत के वाद्यों में हवा का कोई उपयोग है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, बांसुरी, शहनाई आदि संगीत के वाद्यों में हवा का उपयोग
होता है, क्योंकि संगीत के वाद्यों से हवा में लहरें पैदा होती है और फिर वे लहरें संगीत के सुरों में ढल जाती है, बदल जाती है। ठीक है, अब है तीसरा प्रश्न। क्या तुमने कभी तेज आंधियों की प्रचंडता को महसूस किया है? बच्चों, क्या आपने तेज आंधियों का जो प्रचंडता, जो प्रचंड रूप है, उसको महसूस किया है? क्या आंधियों से कुछ लाभ भी है? आप इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, हमने तेज आंधियों के प्रचंड को महसूस किया है, प्रचंडता को महसूस किया है। कभी कभी आंधियाँ हमारे लिए लाभदायक भी हो सकती है, जैसे आंधियों के साथ उड़कर आने वाली मिट्टी उपजाऊ भी हो सकती है, उपजाऊ मिट्टी भी होती है, और उपजाऊ मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती है तो उस उपजाऊ मिट्टी में फसल अच्छी हो सकती है, वो किसानों के लिए लाभदायक हो सकती है। अब है खाली स्थान भरिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपने पाठ पढ़ा है, इस पाठ में से आपको खाली स्थान देखकर भरना है। ठीक है, तो अब गए न मैं कितनी ज़रूरी है, तो यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा? खाली स्थान में आएगा तो अब समझ, खाली स्थान में क्या आएगा? समझ, गए न मैं कितनी ज़रूरी हूँ, तो खाली स्थान में क्या लिखना है आपको? समझ। दूसरा है, पहाड़ों पर कैसी पवन चक्कियाँ चलती है? पहाड़ों पर पवन चक्कियाँ चल रही थी, वो कैसे चलती है? पुक पुक। तो आपको इसका उत्तर क्या लिखना होगा, इस खाली स्थान में क्या भरना होगा? पहाड़ों पर कैसी पुक पुक पवन चक्कियाँ चलती है। ठीक है, तीसरा है, लोग मुझे तरह तरह से कर रहे हैं। हवा बोल रही थी कि लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित कर रहे हैं, तो आपको इस खाली स्थान में क्या बनना है? प्रदूषित। ठीक है, लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित कर रहे हैं। चौथा है, संगीत के वाद्यों, इसमें क्या लिखना है आपको? वाद्यों से मुझसे लहरें पैदा होती है। ठीक है, तीसरे चौथे खालिस्तान में क्या भरोगे? संगीत के वाद्यों भरना आपको। पांचवा है, अब सारी दुनिया में कि चेतना आती जा रही है, अब सारी दुनिया में किसकी चेतना आती जा रही है? पर्यावरण की। तो आपको खालिस्तान में क्या है भरना है? पर्यावरण। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, सही उत्तर पर सही का निशान आपको लगाना है। सांस रुकने पर क्या होता है? सांस रुकने पर क्या होता है? दम घुटने लगता है, कोई परेशानी नहीं होती, बड़ा आनंद का अनुभव होता है। तो सांस रुकने पर क्या होता है? दम घुटने लगता है। तो आपको पहले पर सही का निशान लगाना है। पहाड़ों पर पवन चक्कियाँ किसकी शक्ति से चलती है? पहाड़ों पर जो पवन चक्कियाँ चलती है वो किसकी शक्ति से चलती है? पानी की, हवा की या मनुष्य की? तो किसकी शक्ति से चलती है? हवा की शक्ति से। ठीक है, तीसरा है, किसकी शक्तियों को समझने के बाद गुब्बारे और हवाई जहाज बने? किसकी शक्तियों को समझने के बाद गुब्बारे और हवाई जहाज बने? इंसान की शक्तियों को, या जल की, या वायु की? तो आपको इसका उत्तर लिखना है, वायु की शक्तियों को समझने के बाद गुब्बारे और हवाई जहाज बने। अब देखिए आगे का प्रश्न है आपका भाषा व्यवहार। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के आपको क्या लिखना है?
विलोम शब्द सक्त। सक्त का विलोम शब्द क्या होगा? कोमल। ठीक है, विशाल का विलोम शब्द क्या होगा? शुद्र। जीवित का विलोम शब्द क्या होगा? मृत। और बढ़िया का विलोम शब्द क्या होगा? घटिया। ठीक है, सख्त का विलोम शब्द क्या लिखेंगे आप? कोमल। विशाल का विलोम शब्द क्या लिखेंगे? शुद्र। जीवित का विलोम शब्द क्या लिखेंगे? मृत। बढ़िया का विलोम शब्द क्या लिखेंगे? घटिया। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। पहला है विनम्र। विनम्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? विनम्रता। तो आपको विनम्र का भाववाचक संज्ञा क्या करना है? विनम्रता। दुष्ट। दुष्ट का भाववाचक संज्ञा क्या करना है? दुष्टता। दुष्ट का भाववाचक संज्ञा होगा दुष्टता। अब है लाल। लाल शब्द का भाववाचक संज्ञा लालिमा। लाल शब्द का भाववाचक संज्ञा होगी लालिमा। और सफ़ेद शब्द का भाववाचक संज्ञा सफ़ेदी। सफ़ेद शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी सफ़ेदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनामों को रेखांकित कीजिए। यहाँ इन वाक्यों में हमें सर्वनाम शब्द को रेखांकित करना है। तुम अपने दोस्तों, मम्मी पापा, भैया या दीदी से बात करते हो और आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हो। यह इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच मैं मौजूद हूँ। तो आपको इस वाक्य में, जो पूरा वाक्य दिया गया है, इसमें से सर्वनाम शब्द को रेखांकित करना है। तो देखिए, तुम अपने दोस्तों, मम्मी पापा, भैया या दीदी से बात करते हो। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? तुम। यहाँ सर्वनाम शब्द है तुम। और आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हो। यह है इसीलिए होता है। इस वाक्य में यह है, यह क्या है? सर्वनाम शब्द। क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ तुम्हारे, उनके और मैं, तीनों सर्वनाम शब्द है। तो आपको अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेखा खींचकर विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों से मिलाइए। हमें यहाँ मैच इट करना है। संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों से मैच करना है, मिलाना है। तो यहाँ देखिए, विशाल। विशाल को किससे मिलाएंगे? विशाल को मिलाएंगे बरगद से। विशाल को किससे मिलाएंगे? बरगद से। ठीक है, दूसरा है झिलमिल। झिलमिल को किससे मिलाएंगे? तारे। झिलमिल को तारे से मिलाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा है ठंडी। ठंडी को किससे मिलाएंगे? हवा से मिलाएंगे। आगे है धधकती। धधकती को किससे मिलाएंगे? आग से। ठीक है, अब है प्रचंड। प्रचंड को किससे मिलाएंगे? आंधी से। और सुंदर। सुंदर को मिलाएंगे फूल से। तो आपको यहाँ रेखा खींचकर इसको मिलाना है। ठीक है, अब आगे देखिए, जानिए और कीजिए। ये वर्क आपको कॉपी में नहीं करना है। ठीक है,
आपको केवल इसे जानना है और समझना है। पेड़ पौधों के बढ़ने का हवा के साथ गहरा संबंध है। आपको ध्यान है, पेड़ पौधे हवा से ही ग्रोथ करते हैं, हवा से ही बढ़ते हैं। पेड़ पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पेड़ पौधे हवा से कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। और सूर्य का प्रकाश निकलता है ना, उसी की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, जो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इसी से ऑक्सीजन निकलती है और वो ऑक्सीजन गैस मनुष्य ग्रहण करता है, जिससे मनुष्य तथा जीव जंतुओं में जीवन का संचार होता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जीव जंतु मनुष्य ऑक्सीजन गैस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। इस प्रक्रिया को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपको इस प्रक्रिया का नाम ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण। दूसरा है, हवा हमारे जीवन के और कौन कौन से काम संवारती है, इसकी सूची आपको बनानी है। ठीक है, धन्यवाद।